नमस्कार, मैं प्रिया, स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष में प्राइम टीवी परिवार की तरफ से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और साथ ही आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन सही मायने में मास आंदोलन तब बना जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे और आंदोलन की कमान संभाली। साउथ अफ्रीका में आजमाए सत्याग्रह का गांधी जी ने यहां पर भी बखूबी प्रयोग किया। 1857 की महान क्रांति पर काबू पा लेने वाली अंग्रेजी सरकार गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के सामने पस्त नजर आने लगे। इसका कारण था कि कांग्रेस, जो पहले सिर्फ एलीट क्लास का संगठन थी, उसे बड़े पैमाने पर आम भारतीय नागरिक जुड़ने लगे। लोगों को लगने लगा कि कांग्रेस द्वारा चला जा रहा आंदोलन उनके हित में है। आइए डालते हैं एक नजर इनके आंदोलन पर। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के पुजारी महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अमूल्य योगदान रहा। जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। इससे पूर्व उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में शोषण, अन्याय और रंग भेद की नीति के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन किया था, जिसमें उन्हें अपार सफलता मिली थी। महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, असहयोग और सविनय अवज्ञा के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्र एक विराट पुरुष की भांति अपनी चिर निद्रा त्याग कर संघर्ष के लिए उठ खड़ा हुआ। उनकी अभूतपूर्व सफलता का सबसे बड़ा कारण उनका जनता के साथ एकाकर हो जाना था। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस आंदोलन एक सार्वजनिक आंदोलन बन गया। भारत में राष्ट्र स्तर पर गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों में असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख रहे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को नवीन दिशा प्रदान की। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। 1919 ईस्वी तक गांधी जी स्वेच्छा से ब्रिटिश समाजवादी शासन व्यवस्था के पक्षधर बने रहे। बस उसमें वो सुधार चाहते थे, परंतु जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया। इसका उद्देश्य सरकार के साथ सहयोग ना करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना था। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला और इस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी हिल गए। महात्मा गांधी 1915 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक देश के सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवन में अंग्रेजी सरकार के एक सहयोगी के रूप में ही कार्य करते रहे, किंतु 1920 ईस्वी में गांधी जी के राजनीतिक जीवन में एक परिवर्तनकारी मोड़ आया। कुछ घटनाओं और अन्य परिस्थितियों ने उन्हें सहयोगी से असहयोगी बना दिया। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने सरकार के साथ असहयोग और मॉन्टेग्यू चेंबर्स फोर्ट सुधारों के अंतर्गत निर्मित व्यवस्थापिका सभाओं के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा। गांधी जी के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए एनी बेसेंट ने कहा, ये प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है। गांधी जी के इस विरोध तथा समाज और सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा कर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, मदन मोहन मालवीय, देशबंधु चित्रंजन दास, सर नारायण चंद्रावकर ने प्रारंभ में विरोध किया। फिर भी अली बंधुओं
और मोतीलाल नेहरू के समर्थन से ये प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। यही वो क्षण था जहां से गांधी युग की शुरुआत हुई। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने कैसरे हिंद को लौटा दिया। अन्य सैकड़ों लोगों ने भी गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी पदवियों और उपाधियों को त्याग दिया। राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित जमनालाल बजाज ने भी ये उपाधि वापस कर दी। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को आरंभ किया। पश्चिम भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं जैसी काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि की स्थापना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।